हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 8 अक्टूबर 2024 से आज सेकंड सेप्टेम्बर का जो एनालिसिस है हम कवर करने वाले हैं। गाइज 100% एक्यूरेट एनालिसिस इस वीडियो में कवर करेंगे। जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ गए हूबहू क्वेश्चन पूरे के पूरे हमें मिल चुके हैं, तो 100% एक्यूरेट और 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको कवर करवाएंगे। सो आप सभी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और ये क्वेश्चंस अच्छे से देख के जाइए अगर आपका आगे एग्जाम है तो, क्योंकि यहाँ से आपको पैटर्न का आइडिया लगेगा और काफी ज्यादा हेल्प मिलेंगी। वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनकी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जीके जीएस करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है जो आज पूछे गए हैं आपके 8 अक्टूबर आपके सेकेंड शिफ्ट की एग्जाम है, तो ये पूरे बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, कबड्डी कोर्ट की जो लंबाई होती है कितनी होती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कबड्डी कोर्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 मीटर। 13 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबड्डी कोर्ट की जो लंबाई होती है ये कितनी होती है, 13 मीटर। कबड्डी कोर्ट की लंबाई 13 मीटर होती है और चौड़ाई पूछी जाए तो ये 10 मीटर होती है। कबड्डी कोर्ट के बीचों बीच एक लाइन खींची होती है जो इसे दो बराबर हिस्सों में बांटती है। क्लियर है। कबड्डी कोर्ट के किनारों पर लाबी होती है जिसे बोनस लाइन या फिर करो या मरो लाइन भी कहा जाता है और इसकी जो चौड़ाई है आमतौर पर 1 मीटर होती है। लोबी खेल का अहम हिस्सा होता है या अहम हिस्सा है और ये तय करती है कि रेडर या रेड करने वाला खिलाड़ी लोबी पार करके अंक हासिल कर सकता है या नहीं। कबड्डी एक पारंपरिक आउटडोर खेल है और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में खेला जाता है। कबड्डी जो है 7 खिलाड़ियों की 2 टीमों के बीच में खेला जाता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, कबड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन बने आगे तो आप आसानी से इस डिटेल के मदद से बता दीजिएगा। गाइज एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्टिंग सीरीज हमारी सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये में मिल रही है। जो लोग नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं किए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चांस है ये परचेस करने का। और चेकआउट कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर, नए पैटर्न पर बेस्ड है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आपको मिलेंगे और आपकी एग्जाम तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ से प्रैक्टिस करने का ये नतीजा होगा गाइज कि आप अपनी एग्जाम में जो टाइमिंग है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे टाइमिंग अपनी। तो आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 21 है ये किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है, जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों से संबंधित भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल प्रमुख लेखों में से एक है और अनुच्छेद जो 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह जाति या लिंग के बावजूद सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये व्यक्तियों को मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है और जीवन के सभी पहलू व्यक्ति के जीवन को सार्थक और पूर्ण और जीने योग्य बनाने में जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस लौटो का जो नारा दिया था ये किसने दिया था। तो ये जो नारा दिया था ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम था, आपको पता होना चाहिए। सिद्धार्थ किसका था कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है। और गाइज ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हमें जो मिले हैं 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चन हमें मिले हैं वो हम आपको पूरा पूरा कवर करवा रहे हैं। आपको अगर पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि 100% एक्यूरेट हम एनालिसिस आपको दे रहे हैं। क्लियर है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है और भारत के धार्मिक नेता थे। इनका जो जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकरा में हुआ था और इन्होंने जो है 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि आर्य समाज की जो स्थापना की थी ये किसने की थी, कहाँ पर की थी, कब की थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो ये 65 ईयर है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो 65 ईयर करेक्ट आंसर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होना चाहिए। यूके में न्यायाधीशों को 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहिए। 75 साल है उनकी यूके में, यूनाइटेड किंगडम। अक्टूबर 1963 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रारंभिक सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये जो 60 वर्ष निर्धारित की गई थी और इसे बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गए।
भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके बारे में बात करें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय है और भारतीय कानूनी प्रणाली का उच्चतम न्यायालय भी वहीं स्थित है। भारत का मुख्य न्यायाधीश अदालत के स्वीकृत 31 न्यायाधीशों में से एक है। हालांकि भारतीय संविधान केवल अधिकतम 34 न्यायाधीशों की अनुमति देता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1856 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को काफी हम बार कवर करवा चुके हैं गाइस। आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमने जो ऑलरेडी वीडियोस डाल चुके हैं 200 300 सीरीज वाले हमारे वीडियोस डले हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर चेकआउट करिएगा। 200 300 करके आपको मिलेंगे, थंबनेल में ही दिख जाएगा 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन। उन वीडियोस को आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे तो वहां से ही आपके सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये 1856 में पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह को कानूनी बना दिया। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हिंदू विवाह पुनर्विवाह जो अधिनियम है, मसौदा इसका तैयार किया गया था। ये अधिनियम लॉर्ड केनिंग द्वारा 1856 में पारित किया गया था। और लॉर्ड केनिंग द्वारा हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को पहले वैध बनाया गया था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के बाद पहला बड़ा सामाजिक सुधार कानून माना गया। भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सबसे प्रमुख प्रचारक थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर से अभी आई थिंक हाल ही में क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में, आपका सीपीओ या सीएचएसएल में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? गाइज ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं आपको एनालिसिस में, इससे पहले ये पूछा जा चुका है, अभी हाल ही में एग्जाम स्टार्ट हुई थी उसी दिन ये क्वेश्चन आपका बना था, वापस से रिपीट आपका हुआ है। तो किस वर्ष भारत में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में ये जीता था, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में नीदरलैंड के खिलाफ एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। और जयपाल सिंह उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। ध्यानचंद ने 1928 ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल 14 गोल किए थे। भारतीय हॉकी टीम ने 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1946 में लगातार 6 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और उसके बाद 2 बार 1964 और 1980 में स्वर्ण पदक जीते थे। तो याद रखना है आपको, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। 2, 4 और 6, 2, 8 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा कि भारतीय हॉकी टीम ने जो है इन इन सालों में जो है ये जीते थे। तो 6 तो लगातार जीते थे, उसके बाद में 2 बाद में जीते थे, टोटल 8 यहाँ पर जीते थे, आपको पता होना चाहिए। मनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा जो उपन्यास है ये किसने लिखा? तो ये कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया जिंदगी नामा उपन्यास। 25 जनवरी 2019 को महान हिंदी लेखिका कृष्णा सोबती का निधन हो गया। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। उन्हें हिंदी साहित्य की ग्रैंड डेम माना जाता है। तो जिंदगी नामा उनकी सबसे प्रशंसित रचनाओं में से एक मानी जाती है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों में दार से बिछुड़ी, दिल ओ दानिश, बादलों के गोले और सूरजमुखी अंधेरे में के शामिल है ना। तो सूरजमुखी अंधेरे के ये शामिल है, तो ये सभी इनकी प्रमुख कृतियां हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे अधिक है? तो ये अफगानिस्तान करेक्ट आंसर रहेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा जो शिशु मृत्यु दर है ये अफगानिस्तान में है। यहाँ प्रति 1000 बच्चों पर 103 मौतें होती है। दशकों के संघर्ष और लंबे समय तक सूखे की वजह से भोजन की कमी बढ़ गई है ना। और शिशु मृत्यु दर 1 साल से कम जो उम्र है इनके बच्चों की मृत्यु की संख्या को प्रति 1000 जीवित जन्मों को दर्शाती है। अमेरिका में शिशु मृत्यु दर समकक्ष जो देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। जन्म के समय की खराब परिस्थितियां और नवजात मृत्यु दर अमेरिका में शिशु मृत्यु दर बढ़ने के प्रमुख कारण हैं। भारत में केरल जो है इसमें शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, इसके बाद क्रमशः मिजोरम और कर्नाटक का नंबर आता है। तो ये भी आपको स्टेट वाइज भी थोड़ा सा देख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा श्रीमाली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? सन 2009 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीमती प्रेरणा श्रीमाली को कत्थक नृत्य में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2000 के लिए केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब वहाँ जयपुर राजस्थान में रहती है और उन्होंने 2021 में अपना खुद का संस्थान कलावर्त प्रेरणा श्री मालिक कथा केंद्र शुरू किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये किसने शुरू किया है, कहाँ पर, कब शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन है, सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर रह जाएगा। सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है तो दोनों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और इस प्रतिक्रिया के से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनते हैं और इस प्रतिक्रिया से पानी और सोडियम एसीटेट एक नमक बेसिकली ये बनता है। एक बड़ा चम्मच लगभग 18 ग्राम बेकिंग सोडा 5 लीटर से ज़्यादा गैस छोड़ सकता है। तो याद रखना है आपको, एक बड़ा चम्मच लगभग 18 ग्राम जो बेकिंग सोडा है ये 5 लीटर से ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये छोड़ सकता है। तो आपको ये याद रखना है। इस तरह से भी आपके थोड़े से न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर इसमें तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट आपको अगर किसी एग्जाम में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपक्षीय युद्ध किन किन वंश के मध्य में हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हाल ही में आपका एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा था। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है बट ये किसी ना किसी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था। हमने खुद एनालिसिस इसका करवाया था इसलिए हमें पूरी की चीज़ें याद रहती कि कौन सा क्वेश्चन करवाया था कौन सा नहीं करवाया था, इसलिए सारी चीज़ें हमें पता होती है। तो त्रिपक्षीय युद्ध जो है किन किन वंश के मध्य में हुआ था? प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के मध्य में ये हुआ था त्रिपक्षीय युद्ध। त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तरी भारत में कन्नौज साम्राज्य के सिंहासन के लिए लड़ा गया था और यह संघर्ष 785 से 816 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसे कन्नौज त्रिभुज युद्ध भी कहा जाता है और इस संघर्ष में तीनों राजवंशों ने कन्नौज की आर्थिक और सामरिक क्षमता के लिए एक दूसरे के खिलाफ युद्ध किया था। कन्नौज गंगा व्यापार मार्ग पर स्थित था और रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था और इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय इन्हें जीत हासिल की और कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी इन्होंने बनाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश ने अंत तक कन्नौज जो है इस पर अपना कब्जा बनाए रखा और गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन की जो वजह है ये आंतरिक संघर्ष, गजनबीड़ों और गहड़ वालों के आक्रमण, ये इसकी वजह थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्नपूर्णा देवी किस वाग्यंत्र से संबंधित है? सुरबहार करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी सुरबहार जो संगीत वाग्यंत्र है इससे संबंधित है। भारतीय सुरबहार वादक है अन्नपूर्णा देवी, उस्ताद अलाउद्दीन जो खान थे इनकी पुत्री थी ये और उन्होंने जो है प्रसिद्ध सितार वादक थे पंडित रविशंकर इनसे विवाह किया था। तो याद रखना है आपको, अन्नपूर्णा देवी जो कि भारतीय सुरबहार वादक थी इन्होंने सितार वादक पंडित रविशंकर से विवाह किया था। 1991 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया और 2004 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का सदस्य बनाया गया था। 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये सारे अवार्ड भी आपको देख लेना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बना है तो आगे भी हो सकता है क्वेश्चन आपके देखने को मिले। अगला क्वेश्चन है, नटराज किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नटराज भगवान शिव से जुड़े हैं। नटराज शिव का एक नाम है और जिस रूप में वे सबसे उत्तम नर्तक हैं तो उसी को नटराज बेसिकली कहा जाता है। नटराज को दिव्य नर्तक के रूप में दर्शाया गया है। नटराज का जो नृत्य है तांडव या फिर नादांत कहलाता है। तो इस तरह से भी आप याद रखिएगा कि जो तांडव नृत्य है ये किसका है? नटराज का है। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नटराज की जो मूर्ति है तो नटराज की मूर्ति में शिव की ब्रह्मांड के निर्माता संरक्षक और विध्वंसक की भूमिकाओं को दिखाया गया है। नटराज की मूर्ति में शिव के हाथों में डमरू अग्नि अभय मुद्रा होती है। नटराज की मूर्ति में शिव के दाहिने पैर में कुचली जा रही बोनी आकृति अपस्मार पुरुष का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 5 जुलाई 2013 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013 को, इसका जो उद्देश्य लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना था और इसने ग्रामीण आबादी के 3/4 और शहरी आबादी के आधे हिस्से के लिए भोजन की कानूनी देनदारी का अधिकार बना दिया। ये सब्सिडी की कीमतों पर अनाज और दाल प्रदान करके खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आम लोगों में वितरित किया गया है या किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार पहली थी जिसने देश में पहला खाद्य जो सुरक्षा अधिनियम है ये पारित करने की पहल की थी। तो ये छत्तीसगढ़ इसमें पहली थी इसलिए ये छत्तीसगढ़ वाला जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है बन जाए कि देश में पहला खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस राज्य ने पारित किया था या इसकी पहल जो है सबसे पहले किस राज्य ने की थी, छत्तीसगढ़ ने की थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? गेब्रो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी बन सकता है कि जो गेब्रो है ये किस चट्टान का उदाहरण है। तो आग्नेय चट्टान जो भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। अब बताने में कई बार लोग
यहाँ पर क्वेश्चंस को आंसर में बता देते हैं और आंसर को क्वेश्चंस में बता देते हैं, तो ये कोऑपरेट करके चलिएगा थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि वही है पूरा का पूरा बताने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आग्नेय चट्टान की बात करें तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ठंडे होने के कारण ये बनती है आग्नेय चट्टाने, और ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट आदि कुछ आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण कौन से हैं, तो ग्रेनाइट हो जाएगा, गेब्रो हो जाएगा और बेसाल्ट, ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। अवसादी चट्टान की बात करें तो अवसादी चट्टाने पृथ्वी की सतह पर अपक्षय और सीमेंटीकरण जो होती है या फिर वर्षा की प्रक्रिया से बनती है। अवसादी चट्टाने इसमें बलवा पत्थर, सेल, चूना पत्थर, ये कुछ इसके उदाहरण है। तो अवसादी चट्टानों के उदाहरण पूछे जाए तो इसमें बलवा पत्थर, सेल और चूना पत्थर आएंगे। कायांतरित चट्टानों की बात करें, कायांतरित चट्टानों की, तो जब चट्टानों को उच्च गर्मी के अधीन किया जाता है तो पृथ्वी के अंदर उच्च दबाव में परिवर्तन से ये बनती है। और इनके उदाहरण क्या है कायांतरित चट्टानों के, गनीसाइट्स, स्लेट, इसके अलावा शिष्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि जो है, ये कायांतरित चट्टाने के कुछ उदाहरण है, तो आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है SHG BLP, इसमें एल का अर्थ क्या है या एल का मतलब क्या है। देखिए SHG से लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इसके पहले वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना है, इसके पहले भी आपका एक दिन और बना था SHG से क्वेश्चंस। SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, क्लियर है। और BLP का मतलब क्या होता है, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपका एल का पूछे तो एल का हो जाएगा लिंकेज। नाबार्ड जो है, देखिए इसके बारे में सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप कवर करवा दें ताकि आपको एक्चुअल समझ में आ जाए कि ये चीज़ क्या है। देखिए नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है ये नाबार्ड, ये भारत में एक विकास वित्तीय संस्थान है जिसे 1982 में स्थापित किया गया था, 1982 में, याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। और इसकी जो स्थापना है देश में ग्रामीण विकास और कृषि को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, SHG, स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1992-93 में नाबार्ड के द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम या कार्यक्रम। तो यहाँ पर यही पूछा है आपसे SHG BLP, है ना, BLP यही पूछा है, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम या कार्यक्रम, ये शुरू किया गया था, ये नाबार्ड ने ही किया था। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसने किया था, कब किया था, 1992-93 में, है ना, याद रखना है आपको। इसके अलावा बात करें सिडबी की, सिडबी क्या है, ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। सिडबी एक सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और वित्त पोषण करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी 1990 में। इसके अलावा बात करें IDBI की, तो ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है और ये एक सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थान है, इसकी स्थापना 1964 में देश में औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, IDBI की स्थापना, और इसे 2004 में एक वाणिज्य बैंक में परिवर्तित कर दिया गया और अब इसे जो है IDBI लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, IDBI बैंक को। तो ये सारी डिटेल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनने लायक है, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा हिमालय में स्थित नहीं है, तो गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अरावली वाला आता है इसमें, तो ये आपका नहीं रहेगा। गुरु शिखर जो पर्वत है, शिखर है, ये हिमालय में स्थित नहीं है। राजस्थान के अरबुदा पर्वत की एक चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है, तो आपको याद रखना ये अरावली पर्वतमाला जो है इसका हिस्सा है, ना कि हिमालय का। देखिए अभी जो आपके माउंटेन है या पर्वत है, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। हिमालय से कल बना था क्वेश्चन, आज भी आपका बना, और आज बना आपका हिमालय से में कौन सा स्थित नहीं है इस तरह से। तो हिमालय की चोटियां जितनी भी माउंटेन है अलग अलग, उनको देख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपसे माउंटेन से जरूर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए गुरु शिखर जो है ये समुद्र तल से 1772 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस चोटी से माउंट आबू जो क्षेत्र है इसके दृश्य का आनंद ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मोहन जोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, हड़प्पा सभ्यता से, तो बात जो है इस देश में स्थित था या स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पहले भी और आज भी आपका क्वेश्चन बना है। ग्रेट बात जो था ये मोहनजोदड़ो में था। हड़प्पा की खुदाई में मिली सबसे प्रसिद्ध इमारत मोहनजोदड़ो में स्नानाघर था, क्लियर है, या फिर ग्रेट बात आप बोल सकते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है, ये सिंध वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जो जिला है इसमें स्थित है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका अर्थ है मृतकों का टीला। महास्नानाघर 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 13 मीटर गहरा है। कपड़े बदलने के लिए साइड रूम थे। ऐसा माना जाता है कि महास्नानाघर
में किसी प्रकार का अनुष्ठान स्नान होता था ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिथिराई जो त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के मदुरे में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिराई जो उत्सव है ये मनाया जाता है, और ये शिववाद और वैष्णववाद की एकता के प्रतीक के रूप में अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। 15 दिनों तक ये उत्सव मनाया जाता है। तमिल कैलेंडर के अनुसार चिथिराई जो वर्ष है इसका पहला महीना ये होता है, और इस दिन भगवान विष्णु अपनी बहन और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह समारोह में शामिल होने आते हैं, जिसे चिथिराई के रूप में जाना जाता है। चिथिराई उत्सव के दौरान कई कार्यक्रम बेसिकली आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? तो गुणसूत्र और जीन दोनों होते हैं कोशिका के केंद्रक में मौजूद। देखिए, जीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड यानी कि डीएनए इसके खंड है, और जीन में एक विशिष्ट प्रोटीन के लिए कोड होता है जो शरीर में एक या अधिक प्रकार की कोशिकाओं की में कार्य करता है। तो क्रोमोसोम कोशिकाओं के भीतर की संरचना है जिसमें एक व्यक्ति के जीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है, आप सभी को पता ही है। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में लगभग 135.64 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ना एक लंबी अवधि उच्च पानी 750 से 1200 मिलीमीटर रेंज वर्षा की आवश्यकता और एक उच्च पोषक तत्व की मांग वाली फसल है, और यह एक प्रकार की घास भी है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए गाइस, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए पूरे के पूरे हमने आपको कवर करवा दिए हैं, और 100% जो एक्यूरेट एनालिसिस है ये हमने आपको दिया है। जो भी हमें क्वेश्चंस एक्यूरेट मिले हैं पूरा का पूरा आपको कवर करवा दिया है। क्लियर है? तो आगे आने वाले वीडियोस में और एडवांस तरीके से हम आपको वीडियोस देंगे, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा गाइस, आप सभी के सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो यूट्यूब के द्वारा हमारे चैनल की जो रीच है ये कम कर दी गई है ना, एनालिसिस आप बताइए, तो उसकी वजह से चैनल की रीच डाउन हो चुकी है पूरी तरह से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें, और जितना हो सके कमेंट आप करें, है ना। तो उससे क्या होगा कि इसकी रीच बढ़ेगी और हम आपको और एडवांस तरीके से सारी चीज़ें कवर करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट तो आपका बनता है, इतनी इससे हम आपको एनालिसिस कवर करवा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है इस तरह की पीडीएफ को बनाने में, और आपके लिए ये मेहनत हम करने को तैयार है। बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट आप ज़रूर से करिएगा, ताकि इसकी रीच पहले जैसी वापस से हो जाए, है ना। और ये हमारी MTS की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि और सिर्फ 49 रुपये में आपको मिल रही है लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल ऑफर के तहत, और इसमें 500 से अधिक टेस्ट है, इतना ज़्यादा कंटेंट है कि इसमें 49 रुपये में ये कोई भी आपको नहीं देगा, बट हम आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये में दे रहे हैं, लिमिटेड टाइम है। अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो इन नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये SSC GD की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और ये MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सभी पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो की PDF के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है, साथ ही इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी ने, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।